लगभग कितना समय लेंगे भैया दूध दुहने में पूरा? 7-8 मिनट। 7-8 मिनट। ये देखिए आप लोग के सामने एक मुर्रा भैंस। बहुत से भाइयों के सवाल और जवाब होता है कि विपिन भाई अब किसान के घर से सीधा बिकाऊ भैंसों को दिखाएं। तो हम फिर से एक जगह पे हाजिर हुए हैं और वहाँ से देखिए मैं आप लोगों को एक मुर्रा भैंस दिखाने के प्रयास में लगा हुआ हूँ। पहले इस भैंस के आप लोग चार ढाल देख लीजिए। ले आइए भैया एक बार। चाल ढाल में कोई भी कमी नहीं है। अब बहुत से भाई ये जरूर सोचते होंगे कि ये कहाँ की भैंस है, इसका पता भी बताइए भैया। पता बताइए, एक जमानिया तहसील पड़ता है और उस जगह पे एक हरपुर एक गांव है, वहीं पे ये भैंस है। इस भैंस का आज से ठीक मैं परसों लगता है मिल्किंग में कराया था, लाइव मिल्किंग, जिसमें बहुत से भाई इस भैंस का दूध को देखे थे। ये भैंस एक टाइम में 8 लीटर दूध कर रही है। इसके पास जो बच्चा है ये देखिए यहाँ पे, ये पाड़ा है। पूर्ण रूप से सत्यता के साथ ये बातें बताई जा रही है। पूरे पूरे टाइम का 8 लीटर दूध कर रही है। हमें पहले बताया गया था कि ये भैंस आज से ठीक 1.5 साल पहले आई थी ना भैया? 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले किस जगह से आई थी? हिसार से आई थी, पणिया आई थी। यहाँ पे प्रेग्नेंट हुई और इसके बाद बच्चा की है ना, बच्चा की है। इसके बाद ये भैंस काफ़ी अच्छी दूध में उतरी है। इसका मैं टाइम का दूध मैं अपने सामने ही मिल्किंग कराया था। इसका टाइम का दूध 8 लीटर, इससे कम नहीं है। प्लस होगा कम नहीं होगा? भैया का कहना है कि दूध प्लस होगा, इससे कम नहीं होगा। भैया खाली कर दे दे। शाम का करीब 6 बज चुके हैं और ऐसे में देखिए इस भैंस का यहाँ पे लाइव मिल्किंग। इसका दूध एक भाई है वो निकालेंगे और आप लोग देखेंगे कि भैंस टाइम का कितना दूध कर रही है। कुछ लोग आए हैं इसकी खरीदी के लिए, इस भैंस को देखने के लिए। टाइम कितना हो गया भैया? 6:20 6:19 हो रहा है। बच्चा इस भैंस के पास पाना है, बच्चे को छोड़ दिया गया है पहनाव के लिए। अपने यहाँ भैया ही दूध दुहते हैं क्या? घर वगैरह सब चेक कर रहे हैं।
भैंस का आधार कैसा है, दुआई चुवाई कैसी है, बोला चुवाई बनाएगा, समझने वाले लोग समझ जाएंगे। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है ना। अतुल भैया है और लीलू, काफ़ी थोड़ी दूरी से आए हैं और इस भैंस का धार वगैरह सब देख रहे हैं। हाँ आप भी देख लीजिए, जाइए। हमारे सामने अगले दिन लाइव वीडियो में 8 लीटर परिवर्तित की थी ठंडा दूध। अब यहाँ पे देखेंगे कि कितना दूध कट रही है। आप भी देख लीजिए भैया, वो अपनी पकड़ ले अगली दुआ, अगली पसली करो एक बार एक लेके ना, हम बारे में पता चल चुके हैं। पसली देख लीजिए, पॉइंट वन निकाल लो तो बोलो आ जाएगा कटिया है वो बच्चा छोड़ दे आप दोनों। धार में कैसे भैया? धार ठीक भैया, मैंने देखा रोज तक ये रोज के दुआ तो सदन लगू सही दुए अब तो ठीक है। नहीं आप भैया हट जाओ, जब उनके देखे जाओ लगभग कितना समय लेंगे भैया दूध दुहने में पूरा? 7-8 मिनट। 7-8 मिनट। आपका शुभ नाम? हरिशंकर यादव। हरिशंकर यादव, देख वैसे दूध में अच्छी है, दूध दांत में है। दांत भैया कितना है? दो दांत में भैया, चार, चार से कम, दो से चार। बच्चा 1500 रोज का पारा कटड़ा बोला जाता है पंजाब राज्य में, हरियाणा में कटड़ा और कटड़ी, फीमेल के लिए कटड़ी। चारों थाम सही था, थाम में ना दिक्कत है। जी मोटा हाँ थोड़ा गड़ा थोड़ा बाल्टी को भी उलट दीजिए थोड़ा सा ऐसे। हाँ बस बस बस, समझने वाले लोगों के लिए जरूरी होता है।
बस बस वहीं पे सामने रख दीजिए, बस बस भैया का कहना है कि जिन किसी व्यक्ति को इस भैंस का दूध वगैरह सब देखना है तो एक टाइम दो टाइम तीन टाइम दूह लें आके पूरा तसल्ली कर लें। टाइम टू टाइम 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 एग्जाम 6 बजे अभी खाली के 6 बजे सुबह खाली कर लो काम खत्म मालूम हो जाए 10-5 मिनट और हो सके ना मालूम को दवाई से तो फर्क पड़ गई चार दरिया हुआ चला हो जाए थोड़ा सा काम करवा दिए ऐसा काम मत करो फिर दिखाइए और मतलब बना रही क्या वो फिर कोई कैमरा से दूर न रहे थे माथी चाह रहा हूँ थोड़ा सा मैं थन दिखाने के लिए वहाँ पहुँच गया है ना। पूरी सत्यता के साथ दूध को सामने रख दिया गया है जो दूसरी बाल्टी में खाली हो रही है दूसरा एक बाल्टी है उसको लगा दिया गया है वहाँ पे। एक भैया हैं जिनका नाम हरिशंकर यादव वही दूध दूह रहे हैं। शांत स्वभाव वाली ये भैंस है और बच्चा आप लोग देख ही रहे हैं 15 रोज का बच्चा है पाड़ा। एक बाल्टी लाइए भैया और नपना लाइए यहीं पे हाँ यहीं पे सब देख लिया जाएगा बढ़िया नपना ले ले बच्चे के लिए छोड़ दिया जाएगा उचित बाल्टी और नपना ले आइए भैया ढाई लाख की अरे आठ का भी तो हम ले आए वहाँ से इसको पहले आप मिक्स कर दीजिए झाग कम कीजिए बस बस पूरे 1 लीटर का है और दिखाओ सामने कैमरा और एक दो तीन चार पाँच छः
नौ मानो भैया दस नौ मानो ना नौ ठंडा दूध पूरे पूरे नौ लीटर। अगले दिन हाँ अगले दिन हम यहाँ पे आए थे तो ये भैंस 8 लीटर के करीब दूध की थी। कितने दांत में है? दांत में दो है ना? नहीं, इस भैंस को खरीदने के लिए कुछ लोग भी यहाँ पे पहुँचे हैं जिनके सामने ही इसका मिल्किंग कराया गया है ना। पूरे पूरे 8 लीटर दूध की है। अभी अभी इस भैंस का दूध निकाला गया है। गुड्डू भैया अभी इस भैंस को देखने के लिए बाहर से भी कुछ लोग आए थे है ना, और करीब 7-8 लोगों के सामने ही इसका दूध निकाला गया है। दूध कितना की है? 9 लीटर दूध की है। जो भाई इच्छुक व्यक्ति होंगे इस तरह की भैंस की खरीदारी करने के लिए वो गुड्डू भैया से संपर्क करें। इनका जो नंबर है गुड्डू भैया अपना बता दीजिए। 6306 28244 इनका मोबाइल नंबर है। जो भी व्यक्ति संपर्क करना चाहे उचित वो संपर्क कर सकते हैं। अंधेरा हो चुका है ना। जो भी बातें जो भी वीडियो में आप लोग के साथ शेयर की जा रही है पूरी सत्यता के साथ, जिनको भी थोड़ा सा भी लगे कि दूध में कोई भी ऊंच नीच तो वो व्यक्ति यहाँ पे गुड्डू भी अपने मुंह से बोल दीजिए दूध के बारे में कि जब वो किसी दो टाइम तीन टाइम चार टाइम आके दूध के तसल्ली करके ले जाए। हाँ इनके यहाँ के ठहर के 2 दिन बल्कि दुहिए 3 दिन दुहिए इनका दावा है ना, और तसल्ली से ही इसकी खरीदारी करके यहाँ से ले जाए।